नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी 25 खबरों की ओर। 3 दिवसीय विदेशी यात्रा के लिए पीएम हुए रवाना। ब्रुनेई, दारुसलाम और सिंगापुर की पीएम मोदी करेंगे यात्रा। सशस्त्र बल महोत्सव में दिखेगा सेना का रोमांच, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे उद्घाटन। भाजपा प्रदेश सदस्यता अभियान का शुभारंभ आज, विश्वेश्वरैया सभागार में सदस्यता अभियान की लॉन्चिंग। अपराधों के विरुद्ध मायावती ने किया एक्सपोस्ट, कानून द्वारा कानून का राज हो स्थापित, बोली मायावती। गोवा सीएम ने सरकार सचिवों के साथ की बैठक, कार्यों की सुव्यवस्थित करने का दिया निर्देश। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का आज दिल्ली दौरा, नवनिर्मित न्यू झारखंड भवन का करेंगे उद्घाटन। सीएम विष्णुदेव साय आज ग्रहण करेंगे भाजपा की सदस्यता, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव दिलाएंगे भाजपा सदस्यता। भाजपा सदस्यता अभियान पर अजराय ने दिया बयान, जनता को भ्रमित करने के तरीके, बोले अजराय। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू, विशेषज्ञ टीम ने चुनाव ड्यूटी के लिए दिया प्रशिक्षण। एनडीआरएफ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बांटी राहत सामग्री, विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचा केंद्रीय बल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों का धरना जारी, लाल बाजार पर जूनियर डॉक्टरों का चल रहा धरना। बच्चे के साथ मारपीट मामले में शिक्षक गिरफ्तार, शिक्षक की पिटाई से बच्चा हुआ था घायल। लाखों की ठगी करने वाला मनोज यादव होगा गिरफ्तार, अलीगढ़ के कई थानों में दर्ज हैं आरोपी पर मुकदमे। अमेठी में कार से कुचलने पर घायल युवक की हुई मौत, परिजनों ने शव रखकर हाईवे पर किया प्रदर्शन। वाराणसी में घटा गंगा जल का स्तर, तेज बहाव से नाव संचालन पर अभी रोक। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्वेश्वरगंज पर लगा गंभीर आरोप, बिना चार्ज के होती है महिलाओं की नसबंदी। बनासकांठा के दियोदर में हिट एंड रन की घटना, डंपर चालक मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर फरार। कानून व्यवस्था को लेकर कासगंज एसपी ने किया गश्त, सीओ और पुलिस बल के साथ किया पैदल गश्त। मथुरा में तमंचा दिखाकर रंगबाजी करते वीडियो वायरल, गाड़ी के अंदर युवक लहरा रहा तमंचा। मथुरा में युवक पर हमले का वीडियो वायरल, आधा दर्जन लोगों ने युवक पर किया हमला। रायबरेली में मामूली बात पर दबंगों ने महिलाओं को पीटा, बुजुर्ग महिला सहित 2 महिलाएं घायल। रायबरेली में जमीनी विवाद में अधेड़ की मौत, पुलिस ने 6 लोगों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में गणेश चतुर्थी की तैयारी शुरू, मूर्तिकार बना रहे इको फ्रेंडली मूर्तियां। अहमदाबाद के मधुरम अपार्टमेंट में फंसे लोग, मधुरम अपार्टमेंट की सीढ़ी गिरने से हादसा। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवती का शव, हत्या की जताई जा रही है आशंका। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आज की खबर।